हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममाज वर्ल्ड। आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है। आज के वीडियो में मैं फर्स्ट क्राई के विंटर वेयर्स का रिव्यू दूंगी। इन सभी कपड़ों को मैंने ऑनलाइन firstcry.com से लिया था। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये तीन स्वेटर सेट लिए थे। ये स्वेटर, कैप या टोपा और सॉक्स का सेट है। इसमें आपको पजामा नहीं मिलता है। इसका साइज है 0 to 6 month। इसके ब्रांड का नाम है बेबी हग। आफ्टर डिस्काउंट एक सेट मुझे 219 rupees का मिला था। जैसे ऊन के बिने हुए स्वेटर पहले हम लोग पहनते थे, ये उसी तरह के स्वेटर हैं, लेकिन आई थिंक इन्हें मशीन से बुनाई की गई है। मैंने इन्हें 3 महीने तक डेली अपने बेबी को पहनाया था। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसका कलर में भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और साथ ही साथ में इसमें कोई रोवे वगैरह भी नहीं निकले हैं। ये बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा रफ भी नहीं है। ये मीडियम क्वालिटी है, लेकिन इनको पहनाया जा सकता है बेबी को। आप नीचे कॉटन का कपड़ा पहना दें, उसके बाद इसे पहनाएं। और प्राइस के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और प्राइस के हिसाब से इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकली है। नेक्स्ट मैंने ये दो स्वेटर लिए थे अपने बेबी के लिए। इसके ब्रांड का नाम है कुकी किड्स। इसका मटेरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इसका साइज है न्यूबॉर्न। इसका साइज न्यूबॉर्न मेंशन था साइट में, बट ये जब मिला मुझे तो ये काफी बड़ा साइज है। इसमें लिखा भी न्यूबॉर्न ही है, लेकिन ये न्यूबॉर्न के लिए काफी बड़ा साइज है। इनफैक्ट जब मेरा बेबी 6 month का हो गया था, तब मैंने इसे अपने बेबी को पहनाया था, तब जाकर ये उसे फिट हो रहा था। उससे पहले ये काफी बड़ा था मेरे बेबी के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए इसे खरीद रहे हैं। तो आफ्टर वॉश इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे ऑलिव ग्रीन वाला 366 rupees में मिला था और ये रेड और ब्लू वाला मुझे 360 rupees में मिला था आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट मैंने ये थर्मल लिए थे अपने बेबी के लिए। एक मैंने हाफ थर्मल लिया था और एक मैंने ये फुल थर्मल लिया था अपने बेबी के लिए। और मैंने ये दो वुलन या ऊनी पजामाज लिए थे अपने बेबी के लिए। आप चाहे तो थर्मल सेट को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये पजामाज अलग से लिए थे और ये थर्मल अलग से लिए थे। थर्मल सेट भी आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। इसके ब्रांड का नाम है बेबी हग। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 150 rupees की मिली थी। इसका साइज है 6 to 12 month। आफ्टर डिस्काउंट फुल स्लीव्स थर्मल मुझे 203 rupees का मिला था। ये विंटर वियर जो बॉटम्स है ये मुझे 78 rupees के मिले थे। नेक्स्ट मैंने ये कैप्स ली थी अपने बेबी के लिए। इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मुझे। आफ्टर वॉश इनकी क्वालिटी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आपको पलट करके भी दिखाती हूँ। अंदर भी ये फर जैसा जो बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कान को ढकने के लिए भी ये पार्ट बनाए गए हैं, जिससे कि कान भी पूरी तरह से कवर रहते हैं। वरना होता क्या है कि केवल गोल जो पार्ट होता है उससे बच्चे का सर तो कवर हो जाता है, लेकिन कान खुले रहते हैं और बच्चे को ठंड लग सकती है। इसलिए मुझे ये बेस्ट पार्ट लगा कि इसमें ये कान के लिए भी ये पार्ट बनाए गए हैं। और काफी क्यूट डिजाइन भी है, बेबीज पे काफी अच्छा भी लगता है ये। इसके ब्रांड का नाम है बेबी हग। ये तीनों जो कैप्स हैं वो 120 rupees के अंदर ही हैं। एक कैप मुझे 126 rupees की मिली थी, एक कैप मुझे 112 rupees की मिली थी और एक कैप मुझे 97 rupees की मिली थी। नेक्स्ट मैंने ये दो विंटर वियर सेट लिए थे अपने बेबी के लिए।
ये स्वेटर और पजामा का सेट है। इसके ब्रांड का भी नाम है बेबी हग। आफ्टर डिस्काउंट ये दोनों सेट मुझे 209 रुपीस का मिला था। इसका साइज है 9 to 12 मंथ। आफ्टर वॉश इसके कलर में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है, बट ये जो नेवी ब्लू वाला सेट है इसमें थोड़ा सा रोवे मुझे दिख रहे थे आफ्टर वॉश, लेकिन जो ये येलो कलर का जो सेट था उसमें कोई भी रोवा नहीं पड़ा था, क्योंकि इन सभी कपड़ों को मैंने डेली पहनाया है अपने बेबी को और मैंने डेली वॉश भी किया है। मैंने इन सभी कपड़ों को मशीन वॉश किया है, मैंने बहुत ज़्यादा इनकी केयर नहीं की है, मैंने हैंड वॉश नहीं किया है, मैंने मशीन वॉश किया है। हो सकता है मे भी इस कारण इसमें रोवे पड़ गए हों, बट जो भी रिजल्ट रहा है वो मैं आपके सामने क्लियरली बता रही हूँ। प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और इनकी क्वालिटी भी सही है। नेक्स्ट मैंने ये स्वेट शर्ट ली थी अपने बेबी के लिए। एक्चुअली ये दो के सेट की टी शर्ट थी, लेकिन इसकी एक टी शर्ट मुझे नहीं मिल रही थी इसलिए मैं आपको नहीं इस समय दिखा पा रही हूँ। ये भी बेबी हग ब्रांड की ही थी। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 314 रुपीस की ये दो का सेट की टी शर्ट थी। नेक्स्ट मैंने ये दो जैकेट लिए थे अपने बेबी के लिए। पहली है ये बेबी हग की फुल स्लीव्स हुडेड पैडेड जैकेट, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 734 रुपीस की मिली थी। इसका साइज है 12 to 18 मंथ। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इसमें ये पॉकेट्स भी दी गई है और ये फुल चेन भी लगी हुई है। इसमें अंदर की तरफ भी बहुत ही सॉफ्ट सा फर वाला मटेरियल जैसा लगा हुआ है। इस तरह की जो जैकेट्स होती है वो सर्दियों के लिए बेस्ट रहती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लगती है। नेक्स्ट मैंने ये बेबी हग की फुल स्लीव्स हुडेड स्वेट जैकेट ली है। ये जैकेट हल्की सर्दी के लिए सही है, जैसे कि स्वेट शर्ट होती है उसी तरह की ये स्वेट जैकेट है। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 340 रुपीस की मिली थी, जैसा कि उस जैकेट में था। इसमें अंदर की तरफ कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ये बहुत ही हल्की ठंड जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं उसके लिए जैकेट है। नेक्स्ट मैंने ये विंटर जंपसूट या फिर रोम्पर लिया था अपने बेबी के लिए। ये काफ़ी गर्म करता था। ये भी एक हुडेड रोम्पर है। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 566 रुपीस का मिला था। इसमें इस तरह से चेन लगी हुई है, बट ये चेन केवल यहीं तक लगी हुई है, पूरा नीचे तक नहीं है, ना ही कोई बटन दिए गए हैं नीचे। यूजुअली जो रोम्पर्स होते हैं उसमें पूरा नीचे तक आपको चेन या फिर बटन दिए जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं बेबीज़ को पहनाने के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता था जब मैं अपने बेबी को इसे पहनाती थी, क्योंकि बच्चे कपड़े वैसे भी नहीं पहनना चाहते हैं। बट अगर क्वालिटी की बात की जाए तो काफ़ी गर्म करता था ये रोम्पर और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा निकला है ये रोम्पर। आफ्टर वॉश इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसमें भी पूरे रोम्पर में कहीं पर भी रोवे नहीं पड़े हैं। बस इसमें ये जो बियर का पैच लगा है उस जगह पर या उस जगह पर थोड़े से रोवे पड़ गए थे। इसे भी मैंने मशीन वॉश किया था, क्योंकि बेबी के साथ में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था इसलिए मैंने सभी कपड़ों को मशीन वॉश ही किया है, मैंने हैंड वॉश नहीं किया है। और मशीन वॉश के बाद कैसा रिजल्ट निकला है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने केवल ये रेड जैकेट को नहीं वॉश किया है, उसके अलावा मैंने सभी कपड़ों को वॉश किया है, मशीन वॉश किया है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।